किंग्स को एक और हार मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेस करते हुए रोहित की टीम बिखर गई और श्रेयस एंड कंपनी के हाथ उनकी पांचवीं जीत लगी। डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मैच को हारने के बाद रोहित ने अपनी बॉलिंग की तारीफ की। उन्होंने कहा, ऐसी पिच पर हम ऐसे टोटल को किसी भी दिन चेस करना चाहेंगे। कोलकाता की पारी के दूसरे हाफ में जैसे चीजें घटी वो दिखाता है कि हमारी बॉलिंग यूनिट ने कितना कमाल का एफर्ट डाला। आज बुमराह खास थे लेकिन मैं अपनी टीम की बल्लेबाजी से निराश हूँ। रोहित ने एमआई की बैटिंग पर निराशा जाहिर करते हुए आगे कहा, मैं सोचता हूँ कि इस पिच पर स्कोर सही था लेकिन हम बल्ले से खराब रहे। हम यहाँ अपना चौथा गेम खेल रहे थे इसलिए हमें पता था कि ऐसी पिच से क्या उम्मीद करनी चाहिए। कुछ गेंदें थी जो अच्छी थी लेकिन ये तो होता ही रहता है। हमें पता था कि सीम बोलर्स को मदद मिलेगी लेकिन हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, पार्टनरशिप नहीं की और आज हमारे साइड से ये चीजें मिसिंग थी। जब रोहित से पूछा गया कि क्या ये स्कोर ज्यादा था तब रोहित ने कहा, जिस तरीके से उन्होंने पहले 10 ओवर्स में बैटिंग की मैं सोचता हूँ कि वे पहले 10 या 11 ओवर में 100 के पास थे लेकिन फिर हमने जिस तरह की वापसी की वो कमाल थी। बुमराह खास थे, उनकी और पूरी बॉलिंग यूनिट की ओर से कमाल का एफर्ट। बल्लेबाजों ने आज हमें नीचा दिखाया, हमारी तो यही कहानी रही है। गेंद और बल्ले दोनों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है, हम आज भी यह नहीं कर पाए। मैच की बात करें तो रोहित ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। लंबे वक्त से नाकाम रहे वेंकटेश अय्यर को आज दोबारा से प्लेइंग 11 में जगह मिली और उन्होंने इनिंग्स ओपन करते हुए पहले ओवर से ही मुंबई के बोलर्स के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की। अय्यर ने सिर्फ 24 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली जबकि लंबे वक्त के बाद टीम में वापस आए दूसरे ओपनर अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। नंबर 3 पर आए नितिश राणा ने भी 26 गेंदों पर 43 रन की तेज पारी खेली लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर फिर से फेल रहा। यहां रिंकू सिंह ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए। अंत में केकेआर की पारी 165 रन पर खत्म हुई। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट निकाले। जवाब में मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही, कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गए। दूसरे ओपनर ईशान किशन ने जरूर 43 गेंदों पर 51 रन बनाए लेकिन उन्हें दूसरे एंड से कोई सहयोग नहीं मिला। 15 रन के साथ कारन पोलार्ड मुंबई के दूसरे हाईएस्ट स्कोरर रहे। केकेआर के लिए पैट कमिंस ने 3 और आंद्रे रसल ने 2 विकेट निकाले। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।